हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एनीमिया यानी कि आयरन की कमी, या यूं कह लें खून में सुर्ख हुलियात की कमी को कहते हैं। खून में मौजूद लाल हुलिये, जिनको रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, कम होने के सबब से सेहत गिरने लगती है, जिससे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि चक्कर का आना, रंगत का पीला पड़ जाना, सोते वक्त टांगों का दुखना या बेचैनी रहना, असाबी कमजोरी और हाथ पांव का सुन होना, और इनकी वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, किसी काम में दिल भी नहीं लगता और थकावट का एहसास रहता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में खून तेजी से बनेगा और इतना ज्यादा खून बनेगा के चेहरे पर लाली वाजिया होगी। आप इसे रमजान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस फायदा ही फायदा है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आसान से रेमेडी कैसे बनेगी। लेकिन आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो है सौंफ। ये एक सस्ती सी चीज है जो कि खून को पैदा करने में बहुत ज्यादा मददगार है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, आयरन और फॉलिक एसिड भी होता है। आपने सौंफ को पीस कर पाउडर बना लेना है। 2 चम्मच पीसी हुई सौंफ आपने लेनी है। अब आपने लेनी है मिश्री, ये ऑप्शनल है। अगर आपको शुगर है या आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी आपने पीस कर पाउडर बना लेना है। 1 चम्मच इसका आपने सौंफ वाले पाउडर में डालना है। अब आपने लेने हैं अनार के फूल, ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। बहुत तेजी के साथ ये खून बनाते हैं, या यूं समझ लीजिए ये फूल खून बनाने की मशीन है। आपने इन फूलों का लाल वाला पार्ट लेकर पीस लेना है। इसके भी आपने 2 चम्मच डालने हैं। अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये तैयार हो जाए तो आपने इसको किसी भी डब्बे वगैरह में महफूज कर लेना है। रोजाना आप लोगों ने 1 बड़ा चम्मच इसको दूध में मिलाकर पीना है। चाहे तो सहरी में भी आप ये पी सकते हैं या इफ्तार के बाद भी पी सकते हैं। जब भी आपको सहूलत हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ता 10 दिन भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो जिस्म से खून की कमी भी पूरी हो जाएगी और खून गालों पर भी नजर आने लगेगा। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर बताएं। सो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।